हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग टॉपिक। क्लास 11th का ये टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पहले मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की थी, अब हम क्या करेंगे, एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी में सारे ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे बॉडी कैविटी। फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सबके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल को कंसिस्ट करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल से शॉर्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉग आर कार्निवोरस। जिनके एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, बिकॉज क्योंकि फ्रॉग जो होता है कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होता है। उसके बाद हैंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, द माउथ ओपन इन टू द बक्कल कैविटी। उसके बाद ये देखिए कि डायग्राम है एनसीईआरटी का, एलिमेंट्री कैनाल का, फ्रॉग का, ठीक है। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है और ये ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग की तरह ही है, क्योंकि इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग, फैट बॉडी, स्टोमक, किडनी, ये सब प्रेजेंट है। बस कोलैकल अपर्चर जो है, कोलैक अपर्चर जो है वो डिफरेंट है। कोलैकल अपर्चर फ्रॉग का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। दैट लीड्स द ईसोफेगस टू द फ्रेनक्स एंड ईसोफेगस टू अ शॉर्ट ट्यूब ओपन इन टू द स्टोमक। जो ईसोफेगस होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट ट्यूब है जो फूड अंदर जाता है। जैसे फ्रॉग अंदर लेता है वो ईसोफेगस से सीधे स्टोमक में जाता है। विच टर्न टू द कॉन्टिनेंस एंड सच एज द इंटेस्टाइन फाइनली रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड। तो पहले ये रेक्टम में जाता है, देन कोलैक में चला जाता है। लीवर वाइल दैट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास डाइजेस्टिव प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस। जितने भी ऑर्गन है वो अपने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। द फूड इज़ कैप्चर बाय द बाइलो टोंग्यू। जो फूड होता है वो बाइलो टोंग्यू उसको कैप्चर करता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। डाइजेशन क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस वो करता है, सिक्रीट करता है। सच एज़ द वॉल ऑफ द स्टोमक पार्शली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड काइम। जो अभी पूरी तरह से जो फूड्स होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी हाफली पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, थोड़ा सा ही डाइजेस्ट हुआ है, तो उसको हम काइम बोलेंगे। इस पास फ्रॉम द स्टोमक एंड सच अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन द ड्यूडेनम एंड ड्यूडेनम रिसीव द बाइल टू द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। बाइल डक्ट बाइल इमल्सीफाई द पैनक्रियाटिक टू डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होंगे, वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फूड इनर इंटेस्टाइन विलाई एंड माइक्रोविलाई। डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, फिंगर लाइक इंटेस्टाइन में। जो विलाई, छोटे छोटे विलाई और माइक्रोविलाई होंगे वो वॉल पे बने होंगे, वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव फूड के जो न्यूट्रिशंस होंगे उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अनडाइजेस्टिव फूड जो होगा वेस्ट टू द रेक्टम। और जो सॉलिड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ होगा, पास हो जाएगा रेक्टम में, ठीक है, और थ्रो कोलैक। और वो कहाँ से बाहर हो जाएगा, कोलैक से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।